शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीजफायर, जिसे आमतौर पर युद्ध विराम कहा जाता है, एक युद्ध का एक अस्थायी ठहराव है जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे के साथ आक्रामक कार्यों को स्थगित करने के लिए सहमत होता है। संघर्ष विराम को एक औपचारिक संधि के हिस्से के रूप में घोषित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें विरोधी ताकतों के बीच एक अनौपचारिक समझ का हिस्सा भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और जम्मू और कश्मीर में वास्तविक भू स्थिति रेखा के बीच की दरार नवंबर 2003 में लागू हुई। भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें आईबी का 221 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में एलओसी का 740 किलोमीटर हिस्सा पड़ता। पाकिस्तान ने इस साल जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जो पिछले 7 सालों में सबसे अधिक 720 बार है। पर्वतों की ऊंचाइयों पर फौज की धमक, घने जंगलों के बीच जाबाजों की हरक, गोलों को बेअसर कर देने वाले अभेद बंकर, कटीली फेंसिंग पर बीएसएफ की पैनी नजर, बॉर्डर में बंकर से लाइव रिपोर्ट, चौकन्ने जवान, मुस्तैद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सर्जिकल ऑपरेशन से बौखलाई पाकिस्तान की नापाक नजर, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान की सरहद पर लगी है। लिहाजा बॉर्डर पोस्ट से लेकर सरहद से सटे गांव तक पाकिस्तान की हर एक चाल से निपटने के लिए अलर्ट पर है। बॉर्डर पोस्ट पर जंगी बंकर बनाए जा रहे हैं, और आज बॉर्डर पर बने बंकरों में हम आपको लेके चलते हैं।
सबसे पहले बात पूंछ सेक्टर की। बॉर्डर पर हजारों की हिफाजत करते खुफिया बंकर। आसमान की ऊंचाइयों से दिखता ये वो पहाड़ है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों को अलग करता है। 750 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं दरख्त है तो कहीं जंगल, कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार, लेकिन इन पहाड़ियों पर इन दिनों हिंदुस्तान की फौज 24 घंटे चौकस और चौकन्नी है। ये नजारा है धरती से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने एक बॉर्डर पोस्ट का। ये LOC की आखिरी चौकी है जहां आर्मी के जवान शेल्टर्स और बंकर्स का मुआयना कर रहे हैं। ये पूंछ की एक फॉरवर्ड पोस्ट है। पावड़ों की मदद से उन बंकरों को साफ किया जा रहा है जहां पोजीशन लेकर भारतीय सैनिक दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। खुफिया विभाग से मिली हमारी जानकारी के मुताबिक सीमा पार करीब 200 से शुक्रिया बताने के लिए। और इन मिलिटेंटों को बर्फबारी से रास्ते बंद होने से पहले पहले भारतीय सीमा में धकेलने की पूरी कोशिशें की जा रही है। उरी हो या बारामुल्ला, पूछ हो या फिर आरएसपुरा, भारतीय फौज ने बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इस शख्स से खबरें सुनिए। इस्लामाबाद में जारी दूसरी कायदे आजम वाला सुबाई गेम्स में फुटबॉल और नेटवर्क कैटेगरी के मुकाबलों के फाइनल मैच आज खेले जा रहे हैं। कैप्टन सुखराम, कैप्टन सुखराम, सुखराम सुखराम किधर है यार? कैप्टन Hey
सुखराम, 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 सुखराम यार रुक जा, सुखराम, कैप्टन, 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 दिस इज कंपनी 42, ओवर। कमेंट, ओवर। बंकर पर हमला हुआ है, ओवर। कॉपी दैट, अभी क्या सिचुएशन है वहां पे, ओवर। दो जवानों की सांसें नहीं चल रही हैं, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, दे आर इंजर्ड सर, सर आई एम नॉट श्योर। कॉपी दैट लेफ्टिनेंट, मैसेज रिसीव्ड, ओवर। कॉपी दैट, ओवर एंड आउट लेफ्टिनेंट। कैप्टन, सुखराम यार रुक जा, समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि कुडनकुलम परमाणु बिजली घर पूरी तरह सुरक्षित चार्ज हो गया और किसी प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमला झेल सकता है। भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने अदालत में दाखिल। मैडम चाय। थैंक्स दिलीप। कि ये भूकंप, सुनामी, समुद्री तूफान और आग। हेलो सर जी, कैसे हो सर जी? बैग्स पैक हो गए आपके? कब तक पहुंचोगे सर जी? और खाने में कोई फरमाइश? स्वारा स्वारा स्वारा, बात तो सुनो। हाँ बोलो, मजाक कर रही थी।
छुट्टी कैंसिल हो गई ना। तुमको कैसे पता चला? तुम्हारे खुफिया सूत्र यहाँ पे भी है क्या? अरे हमारा भौकाल पूरे देश में टाइट है। क्या बात है। बस बस बहुत हो गया डैमेज कंट्रोल। अरे यार बहुत सारे लोगों की छुट्टी कैंसिल हो गई है। विक्रम बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मत लो, अपनी बात बताओ। अच्छा ठीक है बाबा, सिर्फ मेरी छुट्टी कैंसिल हुई है। अब क्या बोलूं? तो फोन रख दो फिर। अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और क्या बोलूं का क्या मतलब होता है? अच्छा ठीक है, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। शांत हो जाओ और झगड़ा मत करो। हाँ मैं भी प्यार से ही बात कर रही हूँ। पापा मम्मी कैसे हैं? और गुड़िया? गुड़िया उसकी बहुत मस्ती हो रही है आजकल। मम्मी पापा को डांटती रहती है। जरा सा बोलना क्या सीख गई, अब सबको उसकी सुनना पड़ता है। सच में? और नहीं तो क्या। पता है पापा के हाथ में मोबाइल देख लेना तो चिल्लाने लगती है, कहती है कि इस उम्र में मोबाइल फोन लेके रखना अच्छी बात नहीं है। पर माँ जी को लगता है कि ये सब मैं सिखा रही हूँ। पता नहीं कहाँ से सीख के आती है ये सब। तुम सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। इस बार भी नहीं मिल पाया। वो तो है, मैं भी तुम्हारे भरोसे बैठी थी। क्यों? क्यों मतलब भूल गए? शांत हो जाओ और सही से बताओ। परसों से मेरी जॉइनिंग है, याद है ना? अरे हाँ यार। यार तुमने कहा था कि तुम वापस आ रहे हो, इसलिए मैंने जॉइनिंग डेट कमिट कर दी, ताकि तुम घर पे रहकर गुड़िया को संभाल सको। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन यार तुम अपने मम्मी पापा को समझाओ। विक्रम किसी भी हालत में ना मुझे ये जॉब वापस ज्वाइन करना है, और वो चाहते हैं कि मैं घर पे बैठूं। हाँ ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ऐसे कैसे टेंशन नहीं लूं यार? आई नो तुम्हें ये सब अकेले हैंडल करना पड़ रहा है। गुड़िया के पैदा होने के बाद 3 साल की सेबेटिकल ले चुकी हूँ, अब तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना। बट वो गुड़िया को कैसे संभालेंगे यार, उनकी भी उम्र हो गई है ना। तो मैं नौकरी छोड़ दूं, घर पर बैठ जाऊं? आई कांट बिलीव तुम भी यही चाहते हो। ऐसा नहीं है स्वरा, गुड़िया को 5 साल की तो होने दो। लिसन मैं वापस ज्वाइन कर रही हूं। यार घर पे बैठ के मैं पागल हो जाऊंगी। मैं हैंडल कर लूंगी, जैसे भी देखना है मैं देख लूंगी। जैन कैप्टन। जैन साहब की हाल है? बस ठीक है। घर पे सब कैसे कैप्टन? वाहेगुरु दी मेहर, सब बढ़िया। मूवमेंट क्लियर है कैप्टन? जी साहब, ओवर एंड आउट साहब। साहब बोले कि जरूरत पड़ने पर हवा में रैंडम फायरिंग करनी होगी 20 मिनट के लिए, बताएंगे जब करना होगा तो। ठीक है सुखराम, मैगजीन्स के बॉक्सेस निकाल के तैयार रखो। जी साहब। साहब एक बात पूछे? हाँ पूछो। घर जाते समय आपको डर नहीं लगता? क्यों भाई? मुझे बहुत डर लगता साहब, घर जाता हूँ तो बच्चों को छोड़कर वापस आना बहुत मुश्किल होता है साहब, बच्चे ना समझ है तो उदास हो जाते हैं।
विक्रम, साउथवेस्ट में कोई मूवमेंट नजर आ रही है, जरा देखो। यस कैप्टन। ध्यान हटाने के लिए भी हो सकता है। यस कैप्टन। सुखराम पानी पिला दो यार। जी साहब। साहब आपके लिए भी साहब। नहीं नहीं। विक्रम राइट हैंड साइड 2 o'clock कुछ मूवमेंट नजर आ रही है। यस कैप्टन। विक्रम होल्ड योर फायर, देखते हैं कितने लोग हैं, अभी 4 नजर आ रहे हैं। यस कैप्टन। Company 72, this is Company 42, over. Come in, Company 42. Sir, we see some infiltration happening visible northeast from our position. Copy that. Visible infiltrators 4, but suspected to be double the numbers. Permission to identify and fire the target or send them back, over. Copy that, Company 42. Go ahead, over. हम उनके नीचे open area तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। सुखराम। जी साहब। Take your position. जी साहब। More down. सुखराम, साउथ में ईस्ट की तरफ देखो। हाँ साहब, झाड़ के पीछे छुपा है। सुखराम जल्दबाजी मत कर, इतनी जल्दी वहां से नहीं निकलने वाले। जी साहब। विक्रम, did you spot him? Yes, कैप्टन, वो इंजर्ड है लेकिन मरा नहीं। फायर करो।
सुखराम, सुखराम लेफ्ट में। हाँ साहब, पांच लोग हैं साहब। देखता रहे, होल्ड कर वहां पे। जी साहब। सर वो डेड बॉडी को शील्ड की तरह यूज कर रहा है। कहां विक्रम? ओपन ग्राउंड में है। Come in. This is Tiger 72. Over. Copy that. Over. Company 42. Are you in a position to engage? हमें infiltrators को border cross करने से रोकना है. Copy that, sir. Sir, rescue team कब तक आएगी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. Copy that. दूसरी team वहाँ पहुँचती ही होगी. वो तुम्हें जल्दी contact करेंगे. Radio अपने पास ही रखना. Over. Copy that. Over. Over and out. सुखराम यार तेरी बंदूक। Ah
सुखराम यार, नहीं हो रहा यार। जनवान ज्ञान तुम सागर जग पिस्तु लोक जागर राम तू चतुरित बलताम अंजन पुत्र पवन सुख नाम महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन परन पिरा सुबेसा नन कुंच कुंचित केसा हाथ बज हाथ जा विराजे मुझे साजे केसरी नंदन जय बजरंग बली। अफसर बनने के लिए आप भी 5 दिन इंटरव्यू दिए थे? 5 दिन नहीं रे बुद्धू, इट इज स्प्रेड ओवर 5 डेज। 5 टू एंटर देहरादून बेस आर्मी कैडेट कॉलेज, वहां 1 साल की ट्रेनिंग होगी, फिर तू लेफ्टिनेंट बनेगा। जी साहब। गुड़िया,
गुड़िया इधर आ। गुड़िया इधर आ। गुड़िया पापा के पास आ। गुड़िया गुड़िया रुक जाना प्लीज। This is company 42, over. Yes, Lieutenant. Are you okay? Over. Rescue team यहाँ कब तक पहुँचेगी? Lieutenant team रास्ते में ही है और दुश्मन की तरफ से लगातार shelling की वजह से उन्हें संभल कर आना पड़ रहा है. Over. Copy that. उनके साथ डॉक्टर भी आ रहे हैं. Till then, hold on. Over. Copy that, sir. Over. I'm connecting the line to the doctor. Doctor आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. Copy that. Lieutenant, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? No, doctor. Good. I was told that you have an eye injury. Am I right? Yes, doctor. Are you losing a lot of blood, Lieutenant? Doctor, मैं देख नहीं पा रहा हूँ. Swelling की वजह से I can't open my eyes. And मेरे right leg में शायद fracture भी है. Copy that, Lieutenant. Hold on. We'll be there very shortly. Copy that. Lieutenant, आपको सोना नहीं है. And please avoid drinking water. Lieutenant, आपका blood group क्या है? Lieutenant, are you there? Lieutenant. Yes, doctor. Lieutenant, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O positive. हम वहां पहुंचते ही आपको आर्मी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे. Copy that. You are doing good, Lieutenant. You too, doctor. मजाक अच्छा कर लेते हो. लेकिन मेरी बीवी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता डॉक्टर, बताइए. कोई नहीं लगता. कंपनी अल्फा 7. कंपनी अल्फा 7 कम इन. कंपनी अल्फा 7 कम इन. डॉक्टर, कंपनी अल्फा 7 कम इन. कम इन कंपनी 42, ओवर. आई एम नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट अल्फा 7.
कॉपी दैट लेफ्टिनेंट, उनकी गाड़ी पर शेलिंग हुई है, एक ही जवान जिंदा है। द शेलिंग कॉट देम ऑन द ब्रिज। कंपनी 20 से एक टीम आपकी तरफ भेजी जा रही है। ओवर। एयर एक्सट्रैक्शन। लेफ्टिनेंट, हमने वो ऑप्शन स्टैंड बाय पर रखा है। सीज फायर वायलेशन की वजह से हम इस वक्त एयर सपोर्ट नहीं भेज सकते। ओवर। कॉपी दैट। सर अभी टाइम क्या हुआ है? इट्स 0430 आवर्स लेफ्टिनेंट। ओवर। गाड़ी में कितने लोग थे सर? दो ऑफिसर्स, दो सूबेदार और एक डॉक्टर। आई एम सॉरी लेफ्टिनेंट। आई एम सॉरी टू सर। सर? यस लेफ्टिनेंट, कम इन। शेल। कम अगेन। सर यहाँ पे एक लाइव शेल है सर। आर यू श्योर? यस सर। सर मेरे पैंट में फंसी हुई है। स्टे स्टिल लेफ्टिनेंट, जरा सी मूवमेंट पर ये शेल ब्लास्ट हो सकता है। सर? हाँ लेफ्टिनेंट। मुझे डर लग रहा है। एक काम करो, डोंट मूव। लेफ्टिनेंट, डू यू कॉपी? यस सर। सर मुझे लग रहा है ये M43 शेल है। कॉपी दैट लेफ्टिनेंट। कैन यू सिक्योर द एरिया अराउंड द शेल? सर? हाँ लेफ्टिनेंट। गड़बड़ हो गई तो? मेक श्योर यू डू नॉट मूव। यस सर। बेहतर होगा कि टीम आकर इसे हैंडल करे। सर टीम कितनी देर में आएगी? वेरी सून लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, तुम्हारे यहां से फायरिंग ना होने के कारण दुश्मन अब तक LOC क्रॉस कर चुके होंगे। स्टे अलर्ट लेफ्टिनेंट, तुम्हें किसी भी हालत में इस बंकर को छोड़ना नहीं है। आर यू देयर लेफ्टिनेंट? कंपनी 42 कम इन। आर यू देयर लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट रिस्पॉन्ड, कम इन लेफ्टिनेंट। कंपनी 42 कम इन। लेफ्टिनेंट आर यू देयर? कम इन लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट कम इन। कम इन कंपनी 72। लेफ्टिनेंट कंपनी 20 से पेट्रोल टीम निकल चुकी है, वो बस देर में तो आएंगे। जस्ट होप फॉर टिल देन। कंपनी 72 कम इन। कम इन कंपनी 72। कम इन। कम इन कंपनी 72। कंपनी 72 कम इन। सर कंपनी 72 कम इन। सुखराम हेल्प कर दे यार, रेडियो ठीक करा दे यार। सुखराम उठ जा यार, तुझे ऑफिसर बनना है ना, कितनी मेहनत की है तूने। मैंने एक बात तुझे कभी बताई नहीं, बट आई एम प्राउड ऑफ यू यार। तू बोलता था ना कि घर जाने में डर लगता है, मुझे भी डर लगता है यार। बेटी को बाय बोल के आने में बहुत डर लगता है, बीबी को भी बाय बोलने में डर लगता है, लेकिन यार वो बहुत अच्छी है यार। अगले महीने गुड़िया 4 साल की हो जाएगी। 8 महीने 14 दिनों से मैं उससे मिला नहीं हूं यार। तू भी मेरे साथ घर चल यार,
एक बार मुझे घर जाना है यार सुखराम, सिर्फ एक बार घर जाना है यार सुखराम, गुड़िया को गले लगाना है, बीबी को गले लगाना है यार सुखराम। मुझे भी बहुत डर लगता है यार सुखराम, लगता है डर। कैप्टन बोलो ना इसे, कैप्टन रेडियो ठीक करा दे यार सुखराम, करा दे यार, मुझे घर जाना है यार, करवा दे यार सुखराम। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। जावेद। हाँ जनाब। पहुंच गए? हाँ मैं पहुंच गया, आप कब पहुंचे? बस पास ही है, आ जाएंगे। संभल के जनाब, चार पेट्रोलिंग वाले आसपास ही हैं, उन्होंने इम्तियाज और इकबाल को मार दिया। उन्हें हम मार के ही आएंगे इंशाल्लाह। ओह जल्द से जल्द आओ जनाब,
मेरे पैर में गोली लगी है। शंकर में पहुंच गए ना तुम? हाँ जनाब, उनके तीन लोग मरे पड़े हैं यहाँ। बहुत खूब, आज उनकी आजादी का दिन है, लेकिन वहाँ तिरंगा नहीं हमारा परचम लहराएगा। जी जनाब। जावेद, बंकर के बाहर क्या मूवमेंट चल रहा है पता करो जरा। जनाब यहाँ आसपास कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, आप आ सकते हैं। ठीक है जावेद, एक काम करो, बाहर निकलकर जरा कवर फायर दे देना। ठीक है जनाब। और गोली नहीं खानी, जैकेट पहन लेता हूँ। और कितने लोग यहाँ आ रहे हैं? कितने कितने लोग हैं? हम चार लोग हैं। तुम्हारे पैर में शेल फंसा हुआ है। पता है, मैं हिला तो तू भी गया। प्लान क्या है? ये बंकर ही प्लान था। तुम्हारे सीक्रेट बंकर का पता लगाने के लिए हमारी जो पहली टीम निकली थी, तुम्हारे उन्हें मारते ही हमें तुम्हारी इस लोकेशन का पता लग गया। हमें बोला गया था कि हमें इस बंकर पे कब्जा करना है, हमें इस बंकर पे पहुंचकर उन्हें सिग्नल करना था, और वो लोग भी यहाँ आने वाले थे। बाकी के लोग कहाँ हैं तुम्हारे? बॉर्डर क्रॉस करते वक्त नावेद को गोली लग गई और दो पेट्रोलिंग वाले भी मारे गए। यहाँ बंकर तक पहुँचते वक्त मेरे दो साथी पीछे रह गए, शायद आपके लोगों के साथ लड़ते होंगे या वो भी मारे गए होंगे। अभी रेडियो पर किसकी आवाज थी? पता नहीं। बोल। जावेद, 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 ये तो फायरिंग बहुत नजदीक से हो रही है, 100-200 मीटर के आसपास से फायरिंग हो रही है। के दो लोग फायरिंग कर रहे हैं और हमारे तीन जवान साउथ की तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। ये जो फायरिंग है ये उनके बंदूक की है, वहां से जो फायरिंग हो रही है वो हमारी है। अभी साउथ से सिर्फ हमारे यहां से दो बंदूकों से गोली चल रही है, इनकी तरफ से दो लोग से फायरिंग हो रही है, इसका मतलब अभी दो लोग जिंदा हैं। फायरिंग बंद क्यों हो गई? क्या चल रहा है? समझ नहीं आ रहा। कोई तो फायर करो। कोई एक बंदा चल के आ रहा है, पता नहीं अपना है उनका। उनका अभी एक ही बंदा फायर कर रहा है। फायरिंग वापस शुरू हो गई। अपनी तरफ से एक जवान फायर कर रहा है। आएंगे।
जावेद कहाँ पहुंचा तू? कवर फायरिंग क्यों नहीं दे रहा है तू? जावेद जवाब दे। जावेद तूने उनका यूनिफॉर्म पहन रखा है ना, सब ठीक तो है? तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जावेद हमारे पास वक्त बहुत कम है जावेद, तू आकर फायर तो कर। जनाब सुबह होने को है, सड़क की फायरिंग उठने से पहले हमें हमारे मकसद को अंजाम देना है। जावेद सुन, अभी हम बंकर की तरफ नहीं आ रहे, दो पेट्रोलिंग वाले भी आ रहे हैं, इन दोनों को जहन्नुम पहुंचा के आता हूँ। सोहेल सोहेल उठ, सोहेल को भी मार दियो, अब तो इन्हें मार कर ही आऊंगा। यहाँ बंकर पर आ जाओ जनाब, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से फायर करेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी सही रहेगा। मिस्टर, घर आने का इरादा है या नहीं? पापा, गुड़िया चलो, पापा को डिस्टर्ब मत करो। विक्रम अपने काम पे ध्यान दो। साहब आवाज मत करो ना, बच्ची सो रही है। सुखराम तू यहां क्या कर रहा है? बच्चे को लेके घर जाना। साहब यही तो मेरा घर है। As you wish, your call. साहब अब मैं सोता हूं। क्या है ये सब, कब से चालू किया ये? स्वरा गुड़िया। पापा, करूं?
नहीं गुड़िया, गुड़िया नहीं, गुड़िया नहीं, गुड़िया इधर आओ पापा के पास, नहीं गुड़िया इधर आ, गुड़िया इधर आ, नहीं 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 गुड़िया, गुड़िया पापा के पास आओ, गुड़िया पापा के पास आओ, गुड़िया नहीं इधर आ, नहीं 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 तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूं। चल छोटा, सर्दी शुरू होने वाली है। इन्फिल्ट्रेशन की मूवमेंट बढ़ जाती है ना थोड़ा। शट अप, अलर्ट रहना पड़ता है ना। लौट के घर जाना है, याद ये भी ना रहा, लौट के घर जाना है। जिस्म को छोड़ के अब जहाँ से गुजर जाना है, लौट के घर जाना है, लौट के घर Morning and a very happy Independence Day. My name is Swara Singh and you're watching the morning updates. The White House has acknowledged error in its false claim that President Donald Trump has created three times as many jobs for African Americans than President Barack Obama. ISRO Chairman Sivan K has said that space agency is confident of fulfilling Prime Minister Narendra Modi's promise of human space flight program. क्या देखें के पथराई हुई आँख है हम, क्या देखें के पथराई चिंगारी भी बाकी नहीं वो रात है हम, एक हवा की और हमको बिखर जाना है, लौट के घर जाना के घर जाना है। In breaking news that has just come in, 12 Indian soldiers lost their lives in an infiltration attack at Pooch this morning. The Indian soldiers, however, managed to neutralize 18 terrorists who attacked the Indian BSF jawans. अब्र को
मंजर पे निकलना है हमें, अब्र को चीर के मंजर तक मिट्टी के हर जर्रे में जलना है हमें, और फिर शब के समंदर में उतर जाना है लौट के घर received the names of the Indian soldiers who martyred in this attack. Captain Neeraj Tripathi, Captain Aman Shukla, Lieutenant Karan Sinha, Lieutenant... Lieutenant Vikram Singh, Subedar Sangram Singh, Subedar Sukram Singh, Subedar Rajdeep Rane, Lieutenant Rajiv Desai. धरती पर जब इस आदमी ने जन्म लिया तब से धरती पर सदा सदा ही जंग होती रही, जीती भी गई हारी भी गई, कभी गलत हार गया सही जीत गया, कभी सही हार गया गलत जीत गया, पर हर बार इस पार और उस पार कितने कितने मन दुख में डूब गए सदा सदा के लिए, चाहे जीत गए या हार गए, क्योंकि जंग में हर बार इस पार उस पार किसी का कोई अपना ही खोता है, और अपनों को खोने का गम जंग में हार और जीत दोनों से बड़ा होता है, अपनों को खोने का गम।
Thank you.